आजकल तो एक एक चीज चल रहा है, सोशल मीडिया का तो दो हिस्सा है, एक सही मायने में पॉजिटिव होता है, सब चीज को जानकारी, एक एक चीज की सुविधा, और दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग, बहुत लोग दुरुपयोग करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं जो कुछ से कुछ लिखता अंदर है और ट्वीट करते हैं, जी कोई ना कोई बहाले ना है तो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए, एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए, और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे, एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने, उसके बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम ये सब नहीं करेंगे। लोग तो यही सब करते रहते, क्या क्या नहीं करते रहते, लेकिन क्या स्थिति है क्राइम की, जो स्थिति पहले थी आज वो है क्या, आप जरा सा बता दीजिए। हर बार, और हम लोगों ने जो ट्रायल से लेकर के एक एक काम करवाया, जांच वगैरह का सब का काम करवाया, और आपको मालूम है इन लोगों की स्थिति थी क्या, था नक्सलिज्म का भी, जी कौन सी स्थिति थी, हमने क्या किया 2006, हम लोगों ने 65 पंचायतों का चयन करवाया, आपकी सरकार आपके द्वार, और जो सबसे प्रभावित उस तरह का इलाका था, पंचायत था, उन सभी पंचायतों में जाकर के एक एक ट्रेनिंग से लेकर के उस गांव के विकास का एक एक काम करवाया, और जब उसके लिए और सब काम किया गया, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे जिनको अधिकार दिया गया, तब जाकर के क्या स्थिति हो गई है, कितनी स्थिति बेहतर हुई, और जो क्राइम करते थे उनकी गिरफ्तारी और फिर ट्रायल, उसके चलते ये सब चीज घटा। इसलिए अब पहले कैसी स्थिति है, हम लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बनाया हर तरह से, कहां करते थे जी, अरे वोट जिसका चाहे मिल जाए, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जरा बता दीजिए कि पहले क्या हुआ था, क्या स्थिति रहती थी लोगों की, और हम लोगों ने जितना लोगों की सेवा की है, खिदमत की है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति इंप्रूव की। अगर आप बताइए, आप जरा एक बात देख लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश का, हर एक राज्य का, कि कहां कितना कौन सा क्राइम हुआ है, उसके बारे में फिगर निकलता है। अभी 2018 का निकला है, तक उसका निकला है, 2018 में क्या है जी अपराध का आंकड़ा, अब ये समझ लीजिए, राष्ट्रीय औसत दर देश भर का, नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है, 383.5 है देश में औसत 1 लाख की आबादी पर, और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1, यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। जरा ठीक से कोई बात करिए, इंसिडेंट्स होता, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता, आप कितना भी इंतजाम कर दीजिए, कुछ न कुछ बाएं दाएं करता ही है, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही किया है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जब उसमें लोग अपराध से लेकर के राजस्व के मामले को लेकर एक सोमवार को मिलते थे, सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे, हम 10 साल ही काम करते रहे और देख लिया और आकलन करवाया कि जो मर्डर का है और इस तरह का अपराध है, उसका सबसे बड़ा कारण है या तो भूमि का विवाद, संपत्ति का विवाद, 60% के करीब ये घटनाएं उसके चलते घटती, और उसके लिए हम लोगों ने जो उसके सुधार के लिए काम किया, नया सर्वे कराने का, सर्वे सेटलमेंट के लिए, और अभी की जो जितनी स्थिति हुई है उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है।